पर मैंने पेज काट दिया है। से पहले स्कूल में लेके आ रहा फ्री की बता गई पता लोगों में एक बार जो है व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ दो पतंग हमारी ऑलरेडी कट चुकी है अभी। ये गई नीचे गई 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 देखो गाइस गाइस देखो दो ही तोड़ दिए गाइस पर आ जा। थैंक्स फॉर दिस फाइट थ्री भाई जो अभी GTA खेल रहा है GTA 5 सनसेट पूरी तरह से हो चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके उठ चुके हैं और आज है 14 जनवरी, मतलब आज है उत्तरायण का दिन। और आप देख सकते हैं माहौल कैसा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे इतने लोग दिख नहीं रहे, बिल्कुली जस्ट सुबह मॉर्निंग हुई है तो उसके बाद जो है सब स्टार्ट करने वाले, ऊपर चलने वाले। अभी आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ, मैं मोबाइल एक्चुअली मेरा पड़ा हुआ है अंदर वाले रूम में। टाइम हो चुका है अभी 10:09, एक्चुअली मैं 9 बजे उठा था, फ्रेश वगैरह होते होते जो है 10 बज चुके हैं। अभी नाश्ता वगैरह करने वाले, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पतंग मैं कुछ लेके आया हूँ। मेरी पतंग मैं कल रात को शॉपिंग करके आया था, ज़्यादा नहीं लेके आया, थोड़ी सी पतंग है ये, कुछ कौड़ी पतंग लेके आया हूँ मैं, थोड़ी कागज़ में है और थोड़ी जो है पन्नी वाली है, ये आप देख सकते हैं। मतलब दो कौड़ी लेके आया हूँ, मतलब दो कौड़ी मतलब 40 पतंग हो गई। और ये है 2000 बार की अपनी फिरकी। तो ये जो मैं शॉपिंग करके आया हूँ कल रात को, क्योंकि एक्चुअली मैं ब्लॉग बनाने के लिए गया था जमालपुर काइट मार्केट में, और मैं लेके गया था R15। वहाँ पे एक्चुअली सस्ती मिल रही थी, पर एक्चुअली R15 पे लाना पॉसिबल नहीं था, पतंगें वगैरह सारी टूट जाती, इसलिए मुझे रात को यहीं से मेरे घर के आसपास से लेनी पड़ी। तो अभी गाइस नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद आप लोगों को लेके चलते हैं टेरेस के ऊपर, काफ़ी मज़ा आने वाला है। व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और व्लॉग में बने रहेगा गाइस। बहुत सालों के बाद जो है आज मैं 2023 में उत्तरायण जो है सेलिब्रेट करने वाला हूँ गाइस, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद चलते हैं आपको टेरेस पर लेके। आप देख सकते धूप काफ़ी खतरनाक वाली निकली हुई है। हाँ ये देखो गाइस, और सामने वगैरह DJ वगैरह बजना जो है स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं ऊपर क्या माहौल है, मज़ा आने वाला है भाई। ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस आप। चलो भाई, तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग टेरेस पे। अभी आ चुके हैं 11th फ्लोर पे, टेरेस वगैरह जो अपना ओपन हो चुका है, काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। ये देखो अपना टेरेस है, रस्सी लगाई हुई है, ये एक्चुअली सेफ्टी के लिए लगाई गाइस, और कुछ इस तरह का गाइस सीन है ऊपर से। एक्चुअली कैब लाना भूल गया, अभी मैं वापस जाके मैं कैब ले लूँगा। पतंग वगैरह जो है भाई के पास है, और किन्ने वगैरह भी जो है बांधे नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ये है अपना टेरेस कुछ इस टाइप का, फर्स्ट टाइम आया टेरेस पे यार काफ़ी दिनों के बाद। तो उसके किन्ने वगैरह बांध रहे हैं, बहुत टाइम से एक्चुअली बांधे नहीं है, तो देखते हैं कैसे बनेंगे किन्ने भाई। उसके बाद जो है चढ़ाएंगे पतंग हम लोग, तब तक आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ का टेरेस। अपना जो टेरेस है ये है 11th फ्लोर के ऊपर, सबसे ऊंचा जो अपना टेरेस अपना ये है देखो, कि 2000 बार है, और कुछ पतंगे हैं अपने पास कागज़ की है, और उसके बाद पन्नी की भी पतंग है।
चलिए पहले किन्ने वगैरह बांधते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं पतंग ऊपर और चढ़ाने वाले। यहाँ पे तो एक्चुअली भी लोग दिख नहीं रहे इतने, पर अभी तो लाया भाई कच्ची नहीं है भाई। कितने तारीख की? 9 तारीख की दूरी है, बहुत अच्छी दूरी है भाई। 5वीं बराबर नक्कलों से सावधान। जो दूरी गाइज में लाया वो 9 तारीख की है, पता नहीं, देखते हैं कैसी इसकी धार है, पहले चढ़ाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। चल भाई तू पहले बांध ले किन्ने। कौन सी गाइज है वो, कितने बांध कर नहीं आते, फंसा गई पता। पकड़िए अभी भाई चढ़ा रहे हैं किन्ने बांधे हुए, और आप लोगों को मैं एक बार जो है व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो भाई यहाँ से जो पूरा रोड भी दिख रहा है। ये भाई की पतंग जो है उड़ नहीं रही है, देखो डट्टा वो उसका, उसको मोड़ना पड़ेगा तेरे को। ये देखो ऊपर का इस भी पतंग इतनी दिख नहीं रही अपने एरिया में, और यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग सी दिख रही है, और हवा तो यार खतरनाक वाली चल रही है आज। गाइस भाई की पतंग उड़ चुकी है एकदम हवा में, देखो आप लोगों को शायद दिख रही होगी, अच्छी पतंग है ना कागज़ की। काटना है भाई, काटेगा नहीं, साइड में दे। तो गाइस काफ़ी सालों के बाद जो मैं पतंग चढ़ा रहा हूँ, ये देखो आप मैंने एक पेज काट दिया है, चला चला ढील छोड़ ढील ढील कट गया उसका, एक कट गया, एक पतंग कट चुका है गाइस देखिए। काट काट के व्हाइट वाले का ढील जाना, ढील जाना उसने नीचे ले लिया। इधर भी हमने लपेट लिया, हमारा एक्चुअली पहला पतंग कट चुका है, भाई ने एक्चुअली 2 पेज काटे हुए और मैंने 1 पेज काटा एक पतंग से, और फाइनली भी कट चुका है क्योंकि दोरी के अंदर जो है गाइस वो आ गया था, दांत पड़ जाता है वो, उसकी वजह से जो है पतंग कट गया अपना। तो अभी दूसरा पतंग लेंगे, उसके बाद किन्ने वगैरह बांधे फिर चढ़ा दे गाइस। और धूप आप देख सकते हो काफ़ी खतरनाक वाली निकली हुई है, ये देखो गाइस लपेट रहा है अभी भाई। यार दोरी एक्चुअली 9 तारीख की ली थी, पर एक्चुअली इतनी शार्पन नहीं है, दूसरी पेज भी अभी कट चुकी है हमारी। ये भाई देखो लपेट रहा है दोरी, दूसरा भी अपना कट चुका है भाई पतंग। तीसरा पतंग चढ़ा रहे हम लोग पन्नी वाला, और ये दोरी आप देख सकते हो मैंने 7 रंग की दोरी ली हुई है, और 2 पतंग हमारी ऑलरेडी कट चुकी है, अभी ये तीसरा पतंग चढ़ा रहे, देखते हैं क्या होता है। अभी भाई चढ़ा रहा है, हवा चेंज हो रही है और हवा भी लगातार चेंज हो रही है, तो पता नहीं चल रहा है कौन सी साइड पतंग जा रही है। एंजॉय करते भाई, म्यूज़िक वगैरह मस्त बज रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी टाइम हो चुका है 11:30, फिर मैं नीचे जाके कैप वगैरह लेके आता हूँ, और वो अपनी पतंग वहाँ पे कुछ बची हुई है। ये हीरो एक्स ट्रैक का इवेंट में गए थे, अभी तक इसने लगाया हुआ है। ये एरिया में सबसे ऊंचा टेरेस अपना ही गाइस, देखो बड़ा ले ले पकड़ तो देख, पन्नी भारी है ना, भारी है थोड़ी, तो वो थोड़ी क्रॉस जाती है, नीचे गई, नीचे नीचे चली गई, कर ले। ये देखो गाइस ये एकदम डबला है चढ़ाने में, इसको चढ़ाते नहीं आती, तीन पतंग है अपनी। इसको गाइस पतंग चढ़ानी आती नहीं है, देखो कैसे चढ़ा रहा है, 2 से 3 सालों के बाद चढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है, पर हो जाएगी कोई बात नहीं। गाइस देखो इसकी दूरी पार में फंस जाती है, ये गई नीचे, गई 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 पतंग को नीचे डाल दिया, काफी नीचे कर दिया है, पतंग चढ़ाते ही नहीं आती गाइस। देखो गाइस पतंग देखो आप, नहीं उड़ गई उड़ गई उड़ गई, हवा हवा की पतंग के सीधे ऊपर जा ही नहीं रही, पर ले ऊपर डोरी टाइट कर बस, अब ढील छोड़। देखो गाइस दोरी कैसी कर दी है इसने गाइस, देखो गाइस ये बहुत बेकार उड़ाता है पतंग, देखो दोरी का गुच्छा कर दिया है गाइस, देखो दोरी तोड़ दी है गाइस इसने, दोरी टूटी नहीं है, टूटी नहीं है दोरी, दोरी टूट गई है, इसको पता भी नहीं लगा है, नहीं टूटी है,
गाइस डोरी टूट गई है, मैंने आवाज सुनी है, बट ये बोल रहा नहीं टूटी है, तो देखते आगे क्या होता है। ऊपर आ जा, ढील छोड़ ढील। देखो गाइस डोरी में कुछ आप देख सकते हो, आड़ी पतंग जा रही, पतंग ऊपर आई नहीं है गाइस जब से इसने हाथ में लिए, पतंग नीचे नीचे ही उड़ रही है। आई आई आई, और हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये उड़ा रहा है पतंग, आ रही आ रही, पूरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पतंग उड़ा रहा है गाइस, देख लीजिए जा रही जा रही, देख पतंग जा रही है मस्त, देखो चढ़ी गाइस, देखो भाई लोग पतंग जा रही ऊपर एकदम, इसके किन्ने बराबर नहीं बांधे तुमने। ये देख अभी गई ऊपर, अब जाके गाइस पतंग ऊपर आई है, देखो गाइस फाइनली अपनी पतंग ऊपर चढ़ चुकी है, इसने किन्ने बराबर नहीं बांधे तुमने। पतंग में आई थिंक कोई दिक्कत है गाइस, किन्ने बराबर नहीं है देख, चलो किसी से पेच लड़वा, किसी से कटवाते हैं, पेच नहीं लड़ाते कटवा देते डायरेक्ट, ये पन्नी ये आके काटने वाला है हमारी, ये आ रहा है देख, इसको खेच डालता है, खेच डाली उसने भाई, खेच डाली उसकी, रुक जा नीचे ले, नीचे नीचे ले, बस बस खेची उसने, रुक जा, रुक रुक रुक, ढील 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 जाने, ढील जाने दे, ढील ढील गया गया, चल उसका गया नहीं गया, ऊपर है वो, ऊपर है बहुत, पीछे से चढ़ा रहा है, काटने के लिए तो कर ही रहा है वो, ऊपर आ जा, ऊपर ऊपर ले ले पतंग, अरे यूं करना है ऐसा, ऐसे कर तो क्रॉस होगा पतंग, टर्न टर्न कर गाइस, उसको पतंग टर्न करते ही नहीं आ रहा है पतंग, गाइस जा नहीं रहा, हवा की रुख में जा रहा है वो, पर अपना पतंग काफी ऊपर जा चुका है, आप देख सकते हो सबसे ऊपर उड़ रहा है अपना पतंग, देखो नहीं गाइस सबसे नीचे है अभी, किसी की खेसते पर कोई आ नहीं रहा है, अभी हवा आ रही तो अभी प्रॉब्लम, हवा देख डोरी कहाँ जा रही, पतंग कहाँ है, देख देख वो पतंग काटने आ रहा अपनी, काट गाइस एक जना काटने आ रहा है हमारी, बुरी तरह से कटने वाली अभी, मिलियन माइल्स भाई की, लेने का नाम नहीं ले रही, मिलियन माइल्स भाई की अभी गंदी कटने वाली है पतंग, थू थू होने वाली है इनकी, और ये गए फिर से नीचे भाई, देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला पतंग है, काफ़ी टाइम से हम लोग को पेच लाने की ट्राई कर रहा है, अभी हम लोग उसकी खेंच डालेंगे, कटेगी या काटेंगे गाइस, अभी भाई जाने दे जाने दे, वाह क्या हुआ, धोरी टूट गई, धोरी टूट गई, रुक जा मैं बांधता हूँ फटाफट, धोरी कैसे टूट गई है, तो गाइस अपना जो है तीसरा पतंग भी कट चुका है, दो कागज वाली चढ़ा और एक पन्नी वाली की भी, डोरी एक्चुअली ऐसी आ गई है और अच्छे से कट नहीं रही, पर रात को एक्चुअली क्या ठंडी बहुत थी तो मैंने सोचा हुआ जमालपुर जाके ले लेता हूँ, पर ले नहीं पाया अभी, इसलिए डोरी थोड़ी बेकार आ गई, वैसे दो से तीन पेच काटे हुए ऐसा नहीं है, भाई जो है किन्ने बांध रहा है, एक सामने से जाके खेत डालनी अब तो यार, पतंग कंट्रोल में हुए ना तो अपने केयर कर सकते भाई, वो उसने तूने क्या रखा था, ये जगह थोड़ी कम रखी थी, थोड़ी ज़्यादा रखता ना तो कंट्रोल में रहती, अभी हम जा रहे हैं, हालत ख़राब हो चुकी है, नीचे थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे उसके बाद वापस चढ़ेंगे, धूप बहुत खतरनाक वाली लग रही है और कुछ नहीं है, थोड़ी भूख भी लगी हुई है तो खाना वगैरह थोड़ा खाएंगे उसके बाद वापस से चढ़ते हैं ऊपर, अब ये इतनी जो है पतंग अपने पास बची हुई है और थोड़ी और पतंग नीचे भी है, अपना खाना आ चुका है बढ़िया वाला, ये है फ्रेंच फ्राइज, मसाले वाली फ्राइड खिचड़ी, चिकन और ये है सॉस, ये भाई जो अभी GTA खेल रहा है, GTA 5 को आवाज़ आ रही हुई, धर्माधम जो है भोंपू बज रहे बाहर, अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर ढाबे पे, फिर और भी पतंग उड़ाने वाले गाइस, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। खाना वगैरह हो चुका है, अभी फिर से मैं आ चुका हूँ टेरेस पे, और अभी पतंग ये बहुत सारी बची हुई है, अभी भाई वहाँ पे जो है किन्ने लगा रहा है, तो उसके बाद किन्ने वगैरह बांधेंगे उसके बाद वापस से हम लोग चालू करेंगे, और गर्मी तो थोड़ा धूप का वेट कर रहे थे क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी 2:30 बज चुके हैं, 2:45 बजने वाले आ रहा हूँ, और आप देख सकते हो काफ़ी सारी पतंग यहाँ पर दिख रही है, आप लोगों को दिख रही होगी वहाँ पर, वो जो है मेन रास्ता है, ये देखिए गाइस यार डोरी थोड़ी एकदम ख़राब आ गई, क्या करें अब डोरी है चढ़ानी तो पड़ेगी, टेप है तेरे पास, है? टेप हाँ है, हाँ
आज वो हाथ पे बांध लेंगे ना। हाँ मैं लेना भूल गया कल। हाँ मेरे पास पड़ी है। हाँ तो देना ना। ये किन लूटी तूने पतंग? ये पतंग लूटी? तो ये अपना छोटा सब्सक्राइबर भी आ चुका है टेरेस पे पतंग चढ़ाने के लिए। दोरी कच्ची है सर? पतली ऐसा लगता है सिरकी की दोरी है ही नहीं, साला सुई कोकड़ी की दोरी लगती है। किसकी? सुई कोकड़ी होती है। सुई कोकड़ी कांच भी नहीं है देख, कैसी नॉर्मल है। उसने तो बोला था नौ तार की दोरी है। नौ तार की नहीं है भाई, ये दिखी रहा देखने तीन तार है खाली। यार दोरी में थोड़ा मैं छेतर लिया, लोग बोलेंगे मैं वो। बहुत टाइम के बाद मैंने शॉपिंग की है उत्तरायण की पतंग की। दोरी खराब आ चुकी है, ये उसका है। चल चढ़ा कोई बात नहीं। फिर हम आ चुके नीचे, हम लोग चले गए थे चाय वगैरह भी नाश्ता वास्ता थोड़ा किया। 6:27 हो चुके, काफ़ी बढ़िया जो है सीन लग रहा है यहाँ से। आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। तभी हम फिर से जो है पतंग चढ़ाने वाले गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्योंकि पहले तो हमारी काफ़ी सारी पतंग कट चुकी है, ऐसा नहीं हमने पेच नहीं काटे, काफ़ी सारे पेच भी काटे हैं, दूसरों की पतंग भी काटी है। ये दोरी आ गई, किन्ने वगैरह बांधते फिर उसके बाद जो है पतंग उड़ाने वाले गाइस हम लोग। अभी जो है सनसेट पूरी तरह से हो चुका है, लोगों वहाँ से भी दिखा देता हूँ एक बार सीन कैसा लग रहा है। दोरी बहुत आ रही है यार यहाँ पे। तो पटाखे फूटना भी अभी स्टार्ट हो चुका है। उत्तरायण में ऐसा होता है जैसे ही पूरा दिन काइट फेस्टिवल हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, उसके इवनिंग में रात को जो है पटाखे काफ़ी सारे फोड़ते हैं लोग यहाँ पे। देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, आप देखो वो सारी गाड़ियाँ जो इतनी छोटी छोटी दिख रही यहाँ से। भाई ले रहा है कुछ सिनेमैटिक्स यहाँ पे। अभी भी देखो हमारे पास काफ़ी सारी पतंग बची हुई है और थोड़ी पतंग नीचे भी है, तो पूरी तो आज कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आधी पतंग हम लोग कल चढ़ाने वाले। ऐसा नीचे जाने का टाइम